आज अंकल नाश्ता आप खुद बनाएंगे? वाह 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 जबरदस्त, कटिंग भी खुद ही। मैंने कहा ये बड़ी तेज मिर्चें हैं, वो मिर्चें भी सच्ची बात सुन के लगती हैं। बन गया? बन गया यार, अभी खाएगा तो फिर पता चलेगा। अच्छा, आज इनकी ईद है तो ये सारे जो है आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए आए हुए हैं, सारे तैयार हो गए, आप देख सकते हैं। वाह 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 क्या बात है यार। दोनों खाओ दोनों। ये आज इनकी ईद है जी, एंजॉयमेंट चल रही है सबकी। क्या बात है, क्या बात। अभी जो इनका जो फेस्टिवल है वो स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, फिर निकलते हैं आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आपका भाई इस वक्त मौजूद है कैलाश में, और कैलाश के हम इस वक्त एक गांव में हैं बरून। बरून जा रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और अभी हम रूम से निकले थे नहा धो के फ्रेश हो के, तो अभी नाश्ता वगैरह कर लिए, और नाश्ता करके तो अब हम निकले हैं बरून की तरफ, क्योंकि आज जो है वो भाई ने बताया कि अनीश एक गाँव है, बरून एक गांव है, ये अनीश के लोग बरून आएंगे, और फिर बरून और अनीश के लोग हैं जो वो दोनों साथ मिलकर वो जाएंगे पत्रे और वहां पे फेस्टिवल। तो आज का जो हमारा डे है वो कल जैसे कि आपने फेस्टिवल देखा था बड़ा मज़े कर रहा था, और अगर अभी तक आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो जल्दी से जाके पहले वो व्लॉग देखें और उसके बाद ये इस व्लॉग का शुरू करें। और जैसे कि कल वहाँ पे फेस्टिवल हुआ था, आज भी तकरीबन थोड़ा बहुत उसी तरह का ही है। और अब अंकल से पूछते हैं कि अंकल कल का फेस्टिवल आज आपको कैसा लगा, और आज जो फेस्टिवल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों एक जैसे हैं यार, आज भी वैसे ही फेस्टिवल है। अच्छा, आज ज़्यादा कलरफुल है क्योंकि आज सारे वादियों से लोग आए। अच्छा अच्छा, आज सेम नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, क्या बताने लगे? यहाँ पर मैं आपको कलाशियों का जो इबादत खाना है, हाँ, जिस तरह मुसलमानों का मस्जिद होता है, हाँ, हाँ, कलाश के लोग इबादत के लिए जो है ना, ये सामने आप देख रहे हो मलोश जी, कलाशी जबान में उसको मलोश कहते हैं। अच्छा, ये जो बना हुआ है उस मलोश के एक साइड में देखो वो खास जगह बना हुआ है, हाँ, उसमें जो है ना लकड़ी का बना हुआ, हाँ, हाँ, कहते हैं सिकंदर आजम के घोड़ों का मुशाबियत है। अच्छा, उसके ऊपर देव बैठा हुआ है, यह हमारे मुराद आगे तक पहुँचाता है, ये उनका कंसेप्ट है। उसके वो जस्ट उसके मलोश पिक्चर अटैच कर दूंगा साथ, आप देख लीजिएगा जहाँ पे वो फूल भी लगे हुए हैं, देखो वो नजर आ रहे हैं। फिर ये इस तरह करते हैं कि बकरे को जबह करने के बाद ना उसके खून उस पे छिड़का देते हैं। अच्छा, और उस बकरे को जबह करने के बाद वहाँ पे उसको पका के खाते हैं, और औरतों को नहीं खिलाते, औरतों के लिए बकरी जो है ना घर में जबह किया जाता है। अच्छा, और इबादत वाली जगह में जो गोश्त है उसको ये लोग खुद पकाते हैं, खाते हैं, उस अल्लाह को याद करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हाउस, ब्यूटीफुल। कैलाश का आप जो है वो मौसम देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, और क्या पता आज बारिश भी हो जाए। यह जी पत्री का रास्ता मेन, जो कि फेस्टिवल की तरफ जा रहा है। और अच्छा जी, ये है पत्री का रास्ता। पत्रिक वो जगह है जहाँ पे फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट होता है, और यहाँ से सारे लोग जो है आ रहे हैं ब्राउन और अनीश से गांव से आके यहाँ से सारे जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सिक्योरिटी का यहाँ भी बहुत निज़ाम टाइट है, वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं जिनमें से लोग गुजर के और फिर जाते हैं पत्री की तरफ, ऊपर फेस्टिवल की तरफ। तो ये एक पत्री की मेन एंट्रेंस है। बस अब फेस्टिवल में ऊपर चलते हैं और आपको दोबारा आज थर्ड डे इनका लास्ट फेस्टिवल दिखाते हैं। ये पत्री के ऊपर जाने के ये दरमियान में कोई नाला टाइप बना हुआ है, और साइडों से होते हुए लोग ऊपर गाँव की तरफ जाते हैं। ये इनके घर बने हुए हैं। ये आपकी दुकान है? अच्छा, तो आप मुझे क्या देंगी खाने के लिए? जो मैं लेना ले सकता हूँ, पैसे दे के लूँगा, ठीक है? आज थर्ड डे है फेस्टिवल का, और जो मौसम है और ठंडा और बादल फुल आ गए हैं,
मौसम काफी मजेदार है और यहाँ पे काफी फ्लो चल रहा है। अभी जो है ये सारा जो है ग्राउंड खाली है और अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पे सारे कलाशी, आज लास्ट इनका थर्ड फेस्टिवल है चिल्लम जोश का, और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे इन्होंने आ जाए, ये अब सारे वहाँ से उठे हुए इस ग्राउंड में आ जाए। फेस्टिवल कंप्लीट हो गया। अभी फेस्टिवल से अब हम जा रहे हैं अपने वापस रिसॉर्ट की तरफ और वहां जाके आपको ले भाई, लास्ट टाइम आप ये नज़ारा देख लें क्योंकि कल हम निकल रहे हैं सुबह सुबह बरीर की तरफ और इस वक्त हम रूम में जा रहे थे तो मैंने सोचा खरबूजे ले लेते हैं और ज़रा देसी माहौल पाइए जाके।